नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यदि आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक ही आईडी से बहुत सारे बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से ही बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको एक ऑपरेटर के रूप में आईडी पासवर्ड बनाना होगा और यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ शिक्षक साथी इस प्रक्रिया को नहीं जानते हैं जिस कारण से वो अपना आईडी पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसे आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड बना सकते हैं और उस प्रक्रिया को देख सकते हैं। लेकिन आपको कौन से साइट पर जाकर के पहले आईडी पासवर्ड बनाना होता है, याद रखिएगा, आपको आईडी पासवर्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन से आईडी पासवर्ड नहीं बनाना है, उसके लिए आपको एक साइट पर जाना होता है। उस साइट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ आसान, यहां पर देखिए मैं आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को समझा रहा हूं। तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए देखिए आपको दो प्रकार के प्रक्रिया मिलेगा। देखिए यहां पर लिखा है आई एम एलिजिबल, मतलब मैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एलिजिबल हूं, ये कैसे जानूंगा? तो याद रखिएगा, आप आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा, वो अलग अलग आपके पास जो राशन कार्ड होंगे उसके आधार पर होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, यदि एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का आपको क्या करना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम बगल को क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आर यू एन ऑपरेटर, क्या आप एक ऑपरेटर के रूप में रजिस्टर्ड हो गए हैं? यदि आपने एक ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप बहुत सारे बच्चों का एक ही बार में क्या कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने आयुष्मान कार्ड के बनाने के लिए आपने ऑपरेटर के रूप में लॉगिन नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पर नीचे में मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, सेलेक्ट लैंग्वेज लिखा है और यहाँ पर लिखा है लॉगिन, तो आप चाहे तो यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन को क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन को क्लिक किया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आईडी पासवर्ड बना लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल करके क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा और बहुत ही आसानी से बच्चों का मैं क्या कर सकता हूँ, आयुष्मान कार्ड बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं केवल आईडी पासवर्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बता रहा हूँ। अब यहां पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लॉगिन एस बेनिफिशियरी लिखा है और लॉगिन एस ऑपरेटर। अब याद रखिए, यदि आपको किसी एक ही बच्चे का या फिर स्वयं अपने घर के किसी बच्चों का बनाना हो, है ना, तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। देखिए, अगर आप किसी बच्चे का घर में ही किसी बच्चे का बनाना चाह रहे हैं, अपने परिवार के किसी बच्चे का बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना जरूरी है और वो लिंक होना चाहिए, तब यहाँ पर आप बेनिफिशियरी के माध्यम से बना सकते हैं। तो जैसे ही बेनिफिशियरी को आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डालेंगे, है ना, उसके आधार पर यहाँ पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आपको डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर डालना होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, है ना, उसके बाद जो प्रक्रिया होगा उसको करना है। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर देखिए ऑपरेटर के रूप में अगर आईडी पासवर्ड बना लिया है, उसका प्रक्रिया मैंने ऊपर के वीडियो में बताया, ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से उसको आप सीख सकते हैं। अगर आपने ऑपरेटर के रूप में लॉगिन किया है, तो यहाँ पर आपको फायदा यह होगा कि एक बार आपको क्या करना है, उस ऑपरेटर वाले आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है, और यहाँ पर लॉगिन को जैसे ही क्लिक करेंगे आप लॉगिन कर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि किस बच्चे का आपको क्या करना है, अगर आयुष्मान कार्ड बनाना है जिस भी बच्चों का, वो एक ही आईडी से आप बहुत सारे बच्चों को बना सकते हैं। फायदा ये होगा कि इस प्रकार यदि आप ऑपरेटर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, तो आप कितने बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उसका सूची भी देख सकते हैं और उस बच्चे का आयुष्मान कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, मतलब पीडीएफ के रूप में उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट मिलेगा आपको इस ऑपरेटर वाले लॉगिन में, जबकि बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए हो सकता है आपको चॉइस सेंटर जाना पड़े, लेकिन ऑपरेटर वाले लॉगिन से अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से
क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अब आपने अगर ऑपरेटर के रूप में लॉगिन नहीं किया है तो यहां पर देखिए बगल में आपको या ऊपर में एक वीडियो दिखाई दे रहा है, उस वीडियो को डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तो भी आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और उसमें पूरा प्रक्रिया बताया गया है जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ऑपरेटर के रूप में लॉगिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यहां पर लॉगिन कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने केवल प्रक्रिया बताया है। तो अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।